तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि जैसे हम यूको बैंक का नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में जो है ब्राउज़र को ओपन करने के लिए जब हम उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पे नाउ योर यूज़र आईडी का ऑप्शन नहीं आता है और ना ही आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन में जो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करना है, कौन से लिंक पे आपको क्लिक करना है जिससे कि आपका जो अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यूको बैंक का नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड आप पता कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जो है यूको बैंक का नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड पता करने के लिए जो अपने मोबाइल फ़ोन में जो है ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर आपका जो है ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है, यानी उसमें नहीं बता रहा है कि नाउ योर यूज़र आईडी कैसे पता करने के लिए, जैसे आप नेट बैंकिंग के लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है और ना ही आपको गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है और आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ब्राउज़र से कर पाएंगे। बेसिकली दोस्तों सभी जो यूट्यूबर हैं यानी सभी जो वीडियो बना रहे हैं वो आप सिस्टम पर आपको करके बता रहे हैं और यहाँ पे आप जैसे सिस्टम के जरिए आप मोबाइल फ़ोन में जो उस वेबसाइट को ओपन करते हैं यानी लिंक के ऊपर क्लिक करके मोबाइल से अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते तो वो यहाँ पे लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट आपको बात करने वाला हूँ। वीडियो को आपको फुल वॉच करना, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, ठीक है, साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा और मोबाइल फ़ोन से जैसे ही कर रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रहा है तो जैसे कि यहाँ पे मैं कोई ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यूको बैंक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यूको बैंक। आप जैसे ही दोस्तों यहाँ पे यूको बैंक सर्च करते हैं उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से जब मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको सिस्टम में भी करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में जैसे कि करते हैं नेट बैंकिंग लॉगिन तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिटेल लॉगिन का है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने रिटेल लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जा रहा है, यानी यूज़र आईडी और कैप्चा डालने का लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें ना ही आपको नो योर यूज़र आईडी का ऑप्शन मिल रहा है जिससे कि आप यूज़र आईडी जान सकते हैं और ना ही इसमें पासवर्ड जानने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से मैं थ्री डॉट के ऊपर भी क्लिक करके और डेस्कटॉप साइड में यहाँ पर देख सकते मेरा ऑन हो चुका है लेकिन तब पर भी नहीं हो रहा है, तो उसके कैसे करना है तो वह मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ से मैं पहले इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल पर जो है एक वीडियो अपलोड है उसके बारे में कि यूको बैंक का नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे यानी जो है यूट्यूब को ओपन कर ले हूँ और यहाँ पे मेरा चैनल जो है यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दो दिन पहले ही वीडियो को अपलोड किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यूको बैंक का यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे पता करें, जो कि 11 मिनट 24 सेकेंड का वीडियो है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि वीडियो मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको सिर्फ लैपटॉप से ही करके बताया हूँ कि इसका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे पता करते हैं, लेकिन मोबाइल में जैसे ही ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्राउज़र ओपन नहीं कर रहा। इस वीडियो में जो है दो तीन कमेंट आया था और पहले भी जो मैंने यूको बैंक के बारे में नेट बैंकिंग के बारे में वीडियो बनाया उसमें भी बहुत सारा कमेंट आया था, ठीक है। तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है कि मोबाइल फ़ोन से अभी आप कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, ठीक है। अब जैसे ही मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो लिंक अलग से ऐड किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अब जैसे वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा है गेट यूज़र आईडी और पासवर्ड का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो लिंक अलग से लगाया है कि देख सकते हैं लिखा हुआ है नो योर यूज़र आईडी और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं सेट पासवर्ड। अगर आप यहाँ पे नो योर यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो नो योर यूज़र आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो लिंक लगाया है आपको यहाँ पे जो दो ऑप्शन मिल रहा है डेबिट कार्ड और या सीक्रेट क्वेश्चन, तो आपको जिसके भी जरिए करना है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड पता करने के लिए नहीं है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने इसी वीडियो में जो है लिंक लगाया है, ठीक है, कि आप यूज़र आईडी कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता करना है तो इसके लिए आपको सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है सीक्रेट क्वेश्चन और डेबिट कार्ड।
आपको जिसके जरिए करना था वो कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता करने के लिए नहीं आता है तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, यानी दोनों में एक ही वीडियो में बताया है कि इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे पता करते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख करके इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड पता कर सकते हैं। और मोबाइल से कैसे करते वो मैंने आपको लिंक भी लगा दिया, ठीक है। आप इस प्रकार से इस लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आपको नेट बैंकिंग के लिंक पर क्लिक ही नहीं करना है। आपको यूज़र आईडी जानना है तो इसके लिए आपको नो योर यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करना है, वही आपको पासवर्ड जानना है तो सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जो है आप इसका यूजर आईडी और पासवर्ड पता कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और साथ ही साथ दोस्तों आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी मुझसे पूछना तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा का आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, ठीक है। आपको यहीं से फॉलो करना है, ठीक है। और दोस्तों किसी अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिससे कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।